आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आईपीएल फैंस के लिए ये रविवार ब्लॉकबस्टर रविवार होने वाला है। दिन के पहले मुकाबले के में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दोनों के बीच मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आईपीएल 2022 के 45वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स एक दूसरे से भिड़ने को तैयार है। दोनों के बीच ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। आईपीएल के मैदान में पहली बार उतरी लखनऊ की टीम के लिए ये सीजन काफी अच्छा साबित हो रहा है, जहां लखनऊ सुपर जॉइंट्स अपने 9 में से 6 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल पर तीसरे पायदान पर है। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो अपने 8 में से 4 मुकाबले जीतकर दिल्ली की टीम छठे पायदान पर काबिज है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला जीतकर मैदान में उतरेंगी। कोलकाता के खिलाफ अपने पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट की जीत मिली। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम ने 146 रनों का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। वहीं अगर लखनऊ सुपर जॉइंट्स की बात करें तो उसे भी पंजाब के खिलाफ अपने पिछले मुकाबले में 20 रनों की जीत हासिल हुई। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने 153 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसे हासिल करने में पंजाब की टीम नाकामयाब रही। आईपीएल 2022 का लीग स्टेज अब रोमांचक मोड पर आ गया है। आधे से ज्यादा लीग मैच खत्म हो चुके हैं और अब टीमें प्लेऑफ का टिकट पाने के लिए बचे हुए मुकाबलों में पूरी जान झोंकने में जुटी हैं। और अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि लखनऊ और दिल्ली में से कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। रविवार के दिन दूसरा मुकाबला सनराइज हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। दोनों के बीच ये मुकाबला पुणे के एमसी स्टेडियम में होना है। फैंस इस मुकाबले को लेकर काफी एक्साइटेड है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। आईपीएल 2022 के 46वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स अब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इस सीजन ये दोनों के बीच ये दूसरा मुकाबला है। पहले मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने 8 विकेट से मैच को अपने नाम किया था। फिलहाल अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो अपने 8 में से 5 मुकाबले जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद चौथे पायदान पर हैं। वहीं 8 में से केवल 2 मुकाबले जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स 9वें पायदान पर काबिज है। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला हार कर मैदान में उतर रही हैं। गुजरात के खिलाफ पिछले मुकाबले में हैदराबाद को 5 विकेट की हार का सामना करना पड़ा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम ने 195 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसे गुजरात की टीम बड़ी ही आसानी से हासिल करने में कामयाब हो गई। वहीं अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो पंजाब के खिलाफ हुए रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को 11 रनों से हार मिली। शिखर धवन की नाबाद 88 रनों की पारी के दम पर पंजाब की टीम ने 187 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम लक्ष्य को हासिल करने में नाकामयाब रही। बहरहाल दोनों ही टीमों में धुरंधरों की भरमार है, जहां हैदराबाद की टीम में केन विलियमसन, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन जैसे खिलाड़ी हैं, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स में भी अंबित रायडू, एमएस धोनी और रविंद्र जाडेजा जैसे धाकड़ खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि दोनों में से कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करना चाहेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
आईपीएल 2022 का 15वां सीजन काफी रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ रहा है। इस सीजन को शुरू हुए अब महीने भर से ज्यादा का समय हो चुका है और फैंस को हर दिन एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं प्लेऑफ की रेस भी काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। कुछ टीमों ने अभी से ही इस पर अपनी दावेदारी पक्की कर ली है और बाकी टीमें प्लेऑफ में वाई के लाइफ करने के लिए हर मुकाबले में जान झोंकने में जुटे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली चार टीमें तय होने में काफी मैच खेले जाने बाकी हैं। हालांकि अब तक मैचों के जो नतीजे आए हैं उनको देखते हुए कुछ टीमों का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय नजर आ रहा है। वहीं कुछ टीमें साफ तौर पर बाहर होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। आईपीएल के सीजन में गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जॉयंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक मजबूत टीम के तौर पर नजर आ रही है। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के इस सीजन में प्लेऑफ खेलना लगभग तय है। गुजरात ने अपने 8 मुकाबलों में महज एक मैच गंवाया है तो वहीं राजस्थान ने इतने ही मैच खेलकर सिर्फ 2 मुकाबलों में हार झेली है। ऐसे में इन दोनों टीमों का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग साफ नजर आ रहा है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जॉइंट्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच प्लेऑफ की असल जंग देखने को मिल सकती है। आईपीएल इतिहास की 3 मजबूत टीमें मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ से बाहर होने के पूरे चांसेस हैं। जहां मुंबई अब तक अपने सारे मुकाबले हार चुकी है वहीं चेन्नई और कोलकाता की टीम भी 6 मुकाबले हार चुकी है। ऐसे में इनका क्वालिफाई करना नामुमकिन नजर आ रहा है। हालांकि अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन सी वो 2 टीमें हैं जो क्वालिफाई करके गुजरात और राजस्थान की टीम को ज्वाइन करेंगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।